कि नेहरू के सपनों का भिलाई, ये किस लिए कहा जाता है सर? हर शनिवार की रात जवाहरलाल नेहरू भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर प्रोजेक्ट का की मॉनिटरिंग करते थे। दो प्रधानमंत्री और राजीव गांधी, ये तीनों जो है 16 दिसंबर 1957 को भिलाई पहुंचे थे। हम जितने भी देश के जो वासी हैं, खासकर जो यूथ हैं, क्या वो जवाहरलाल नेहरू के साथ इंसाफी कर पा रहा है उनकी चीज़ों को लेकर? पिछले 10 साल में जवाहरलाल नेहरू को जितना पढ़ा गया है, ये एक स्टडी है, उतना पिछले 50 साल में 60 साल में नहीं पढ़ा गया था। कुल कितने दौरे किए थे नेहरू जी ने भिलाई के, और क्या वजह रही होगी दौरे की? आज मैंने कुछ घंटे भिलाई परियोजना क्षेत्र में बिताए तथा पूरे हो गए कार्यों एवं इस महानिर्माण की प्रगति का जायजा लिया। इस प्रवास की अनुभूतियों को दर्ज करना सरल नहीं है। भिलाई भारत में नए युग के एक महत्वपूर्ण चिन्ह के रूप में राष्ट्रीय अस्मिता के पट पर अंकित हो चुका है। पहले यदि कोई भिलाई आया हो तो वहाँ अब भिलाई के इस नए स्वरूप से अत्यधिक प्रभावित होगा। नूतन युग का आगमन और उससे परिचय किसी समय में स्वप्न मात्र था, अब यहाँ मूर्त रूप स्वरूप ले चुका है, एक स्वप्न साकार हो चुका है। भिलाई भावी भारत का होनहार प्रतीक एवं उसके भविष्य का शुभ शगुन है। ये जो मैंने एक लेख पढ़ा, आप इस मेरे पढ़ते हुए समय एक इबारत देख रहे होंगे जो इंग्लिश में लिखा हुआ था। वो इबारत 16 दिसंबर 1957 का है, जब भिलाई नेहरू जी आए हुए थे, तब उन्होंने गेस्ट बुक होता है जिसमें कोई भी प्रधानमंत्री जब आता है तो उस गेस्ट बुक में अपना एक्सपीरियंस लिखता है सारी चीज़ों को देखने के बाद, तो आपने सुना। आज 14 नवंबर है और देश के सभी लोग, देश के सभी जितने भी लोग जो भारतीय हैं और साथ ही देश, भारत देश ही नहीं, भारत देश के बाहर भी जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए उनका जन्मदिवस मना रहा है। हमारे भारत देश में बाल दिवस के रूप में भी आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और आज के इस खास मौके पे, इस खास अवसर पर, शुभ दिन पर, हम आज भिलाई में जवाहरलाल नेहरू के क्या किस्से थे, कितना उनका दौरा हुआ था, वो किस लिए आए थे और उनका भिलाई से किस तरह का रिश्ता है, नाता है, वो भी जानेंगे। और इन सब सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए एक बात फिर से, भिलाई के इतिहास और अतीत को जब भी खंगाला गया, उसके संदर्भों को पढ़ने के लिए कहीं तक जाना पड़ा, तो सिर्फ एक ही नाम आता है। वो नाम आता है भिलाई के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद जाकिर हुसैन सर का। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मेरा प्रश्न ये है कि एक लाइन है जो अक्सर भिलाई के संदर्भ में कहा जाता है कि नेहरू के सपनों का भिलाई, ये किस लिए कहा जाता है सर? ये इसलिए कहा जाता है कि आज़ादी के बाद हमारे देश की जो हालत थी वो सबको मालूम है, और उस जमाने में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के औद्योगिकीकरण का सपना देखा, तो बहुत सारे बांध, डैम बने और भी दूसरे निर्माण हो रहे थे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जब तक कि आप स्टील नहीं बनाओगे आगे काम नहीं होगा। तो ये जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट की परिकल्पना थी कि देश में बड़े स्टील प्लांट बनाए जाएँ, क्योंकि उस ज़माने में बड़े स्टील प्लांट हमारे यहाँ नहीं थे। एक निजी क्षेत्र में टाटा स्टील था और एक इस्को, जिसको बर्नपुर में, ये था, और कुल्टी आयरन वर्क्स था। और चूँकि देश हमारा आज़ाद हुआ था और उसके बाद में लोहे की खपत, स्टील की खपत ये बढ़नी थी, तो तब जो प्लान बनाया गया उसके हिसाब से, मतलब अगर कट शॉर्ट करके बताऊँ मैं, तो सोवियत संघ के सहयोग से भिलाई, ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट बनाना तय हुआ। अब इसमें भिलाई को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है कि ऐसे तो सभी, पूरा देश, पूरे देश के लिए जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन भिलाई को लेकर उनका एक अलग लगाव था। और सोवियत रूस का, सोवियत संघ का दौरा जवाहरलाल नेहरू पहले भी कर चुके थे, और सोवियत संघ ने जिस तरीके की रुचि दिखाई थी, यहाँ मैं खास तौर पर बताना चाहूँगा कि जब भारत का प्रतिनिधिमंडल सोवियत संघ गया कि हम 1 मिलियन टन स्टील प्लांट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो सोवियत प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि हम 1 नहीं, हम आपको 10 मिलियन टन लगा के दे सकते हैं, 10 मिलियन टन कैपेसिटी का स्टील प्लांट। तो ये नेहरू जी के दिल के करीब था भिलाई, और ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था,
इसको ड्रीम प्रोजेक्ट इसलिए भी कहा जाता है कि ये सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में भिलाई प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, भिलाई दुर्गापुर राउरकेला, और एक जो शेड्यूल बना हुआ था उसके हिसाब से हर शनिवार की रात जवाहरलाल नेहरू भिलाई राउरकेला और दुर्गापुर प्रोजेक्ट का की मॉनिटरिंग करते थे और काफ़ी उनके दिल के करीब रहा भिलाई जी। सर अब मैं इस पे आना चाहूँगा कि नेहरू जी का दौरा हुआ है भिलाई पे, पर किसी के पास अगर तथ्य होगा भी तो एक दौरे का होगा, पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कुल कितने दौरे किए थे नेहरू जी ने भिलाई के और क्या वजह रही होगी दौरे की। प्रधानमंत्री के तौर पे जवाहरलाल नेहरू भिलाई कई बार आए और मैं आमतौर पे मेरा ये कहना रहता है कि 3.5 बार आए, तो थोड़ा सा लोग चौंकते कि 3.5 बार क्या होता। हाँ, तो ये मैं बता दूं कि 3.5 मेरा इसलिए कहना है कि 3 दौरा तो उनका भिलाई का था, लेकिन 1 दौरा वो भिलाई ना आकर के नंदनी एरोड्रम तक के आए थे। वो उड़ीसा चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे तो नंदनी में रुके थे और भिलाई के पूरे जितने ऑफिशियल्स हैं उनको वो नंदनी बुला लिए थे। तो खैर उसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको बताऊँ भिलाई का उनका पहला दौरा। तो ये 16 दिसंबर 1957 को जवाहरलाल नेहरू पहली बार भिलाई आए थे। ये उसी समय का ही बार था सर? हाँ, ये उसी समय का, उस टाइम में भिलाई स्टील प्रोजेक्ट का काम जारी था, चल रहा था और बड़ी तेज़ी से चल रहा था। 1 मिलियन टन का स्टील प्लांट भारत और सोवियत के सहयोग से बन रहा था। तो तब जवाहरलाल नेहरू जब भिलाई आए थे तो उनके साथ उनके 14 साल के नाती राजीव गांधी, जो बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए, वो थे, और हमारा पड़ोसी देश है बर्मा, बर्मा के प्रधानमंत्री ऊनू, वो भी तब भारत के दौरे पे थे, तो जवाहरलाल नेहरू उनको लेते हुए आए। तो इस तरीके से 2 प्रधानमंत्री और राजीव गांधी, ये तीनों जो है 16 दिसंबर 1957 को भिलाई पहुंचे थे। यहाँ आने के बाद में उन्होंने यहाँ, उस टाइम में तो भिलाई नया नया बन रहा था, टाउनशिप भी उतना पूरा बना नहीं था, तो हम किसी होटल या किसी बड़े गेस्ट हाउस या प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के अनुरूप किसी तरीके की आरामदेह कोई ऐसा रुकने की जगह की कल्पना नहीं कर सकते। तब जो है 32 बंगला हमारा बन चुका था। सर इसी में वो एक कड़ी जुड़ रहा है कि जैसे आज के टाइम पे जब कोई प्रधानमंत्री किसी जगह पर आता है, हाँ, तो काफ़ी बंदोबस्त करना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, पर उस समय की सरलता ये थी कि उस समय के जो प्रधानमंत्री आते हैं और उन्हें किस तरह की व्यवस्था दी जाती है और वो रह लेते हैं। नेहरू जो है वो बहुत ज़्यादा सहज थे, जैसा उनके बारे में बताया जाता है ना कि ठीक है वो घर से संपन्न थे लेकिन वो सहज थे। ऐसा नहीं था कि वो मतलब बिल्कुल 5 स्टार में ही रुकेंगे या, तो तब 32 बंगले में बंगला नंबर 1 जो था वो भिलाई स्टील प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर का निवास था और जो 2 नंबर बंगला था वो गेस्ट हाउस था। तो उस गेस्ट हाउस में जवाहरलाल नेहरू, बर्मा के प्रधानमंत्री ऊनू और राजीव गांधी तीनों एक ही बंगले में रुके थे, बंगला नंबर 2 में। ये तब की बात है सर। और किस तरह के रिश्ते जुड़े हुए हैं नेहरू जी के भिलाई को लेकर, क्या वो सोचते थे और जब आते थे तो क्या कोई ऐसे और भी चीज़ें हुई हैं जो बताने लायक हो दर्शकों? जवाहरलाल नेहरू का एक तो ये था कि जब भी वो मतलब कोई विदेशी कोई अतिथि आता था भारत दौरे पर ज़्यादातर, तो उनका जोर ये रहता था कि अगर वो मान लीजिए थोड़ा 3-4 दिन ज़्यादा आया है तो वो उसके दौरे में भिलाई भी जुड़वाते थे। तो भिलाई की शुरुआती आप तारीख देखेंगे तो कई विदेशी जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो यहाँ पे आते थे, आए हैं कई छोटे बड़े देशों के आते थे, वो देखते थे। यहाँ तक कि मैं बताऊँ आपको कि जिन बर्मा के प्रधानमंत्री का उल्लेख मैं कर रहा हूँ, वो 16 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू के साथ में आए थे और जो शेड्यूल जो प्रोटोकॉल जो था उसके हिसाब से 17 दिसंबर को सुबह तीनों को लौटना था, लेकिन ऊनू जब 16 दिसंबर को जब उन्होंने प्रोजेक्ट एरिया पूरा घूम घूम के देखा जवाहरलाल नेहरू के साथ और कारखाना बन रहा है और टाउनशिप बन रहा है, मकान बन रहे हैं, वो सब देखा, तो उनको एक इतना पसंद आया ये पूरा का पूरा माहौल कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि आप लोग जाइए और मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। तो तब ऊनू 1 हफ्ते तक भिलाई में रुके रहे और यहाँ वो 1 हफ्ते तक रुक के पूरा घूम घूम के प्रोजेक्ट का जायज़ा लेते रहे, टाउनशिप कैसे बनता वो देखते रहे। अब ये फिर बात का ये पूरा एक इतिहास ही है कि जब वो बर्मा गए तो बर्मा का जो औद्योगिकीकरण हुआ वो उन्होंने भिलाई को एक मॉडल मान के किया था।
सर अभी हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, नेहरू आर्ट गैलरी, इस जगह का नाम है, मैंने शुरुआती उसमें अपने बताया नहीं कि इस वक्त हम लोग नेहरू आर्ट गैलरी में मौजूद हैं और भिलाई के सिविक सेंटर में आर्ट गैलरी पड़ता है। सर इसका, इस जगह का नाम नेहरू आर्ट गैलरी कैसे पड़ा और क्या वजह रही नाम रखने की? ये हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, ये डोम तो काफ़ी पुराना था, पहले का था, और यहाँ पे किसी ज़माने में कैंटीन भी लगी है और एक सुपर मार्केट भी लगता था और अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल हुआ था, लेकिन कोई ऐसा परमानेंट इसका कोई स्वरूप स्ट्रक्चर नहीं था। ये डोम ज़रूर बना हुआ था। बाद में 1989 में जवाहरलाल नेहरू का शताब्दी वर्ष आया, तो उस शताब्दी वर्ष में भिलाई ने कुछ पहल की थी जिसमें इसे नेहरू आर्ट गैलरी का नाम दिया गया और ये 14 नवंबर 1989 से इसको नेहरू आर्ट गैलरी के तौर पे संचालित किया जा रहा है तब से। एक आखिरी प्रश्न सर, हम जितने भी देश के जो वासी हैं, खासकर जो यूथ हैं, क्या वो जवाहरलाल नेहरू के साथ इंसाफी कर पा रहा है उनकी चीज़ों को लेकर? युवा जो है ना, वो युवा अपने मन से काम करता है, वो किसी के कहने पे नहीं करता है। तो युवा के सामने दोनों चीज़ हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो युवा को अपने मन से उसको समझना है और लोग समझ रहे हैं आज की तारीख में। मतलब पिछले 10 साल में जवाहरलाल नेहरू को जितना पढ़ा गया है, ये एक स्टडी है, उतना पिछले 50 साल में 60 साल में नहीं पढ़ा गया था जी। तो ये भी एक तथ्य है। तो ये आपको समझना चाहिए कि युवा इतने जल्दी बहकावे में नहीं आने वाला जी। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलता है वो थोड़े देर के लिए मज़ा लेने के लिए ठीक है, लेकिन आज युवा पढ़ा लिखा है, समझदार है। हमारे देश की लिटरेसी रेट अब पहले जैसे नहीं रही है, आज़ादी के बाद जो स्थिति थी, तो आज सब पढ़े लिखे हैं, सबको मालूम है फैक्ट क्या है। सर अब बातचीत में आपने बताया कि जो पहला दौरा था वो 16 दिसंबर 1957 का था, आपने बताया कि 3.5 बार उन्होंने दौरा किया है भिलाई का, तो उसकी तारीख क्या थी और उसके पीछे की क्या वजह थी? जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार जब भिलाई आए थे तो वो प्रसंग ऐसा था कि रायपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महाधिवेशन चल रहा था और पूरे देश भर के जितने बड़े नेता हैं कांग्रेस के उस टाइम में रायपुर में थे, तो उनके जवाहरलाल नेहरू के दौरे के साथ में भिलाई को भी जोड़ा गया था। उसके बाद एक दौरा उनका जो है वो नंदिनी एरोड्रम का था, वो इसलिए था कि वो यहाँ आए थे सिर्फ उड़ीसा चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, तो फरवरी 1962 में वो यहाँ आए थे नंदिनी एरोड्रम में, और वहाँ पे करीब 2 घंटा तक वो रुके थे और भिलाई से सारे के सारे अधिकारी वहाँ गए थे और काफ़ी लोग गए थे, उनका स्वागत सत्कार हुआ, उन्होंने भिलाई परियोजना का जायज़ा लिया, पूछा उनसे, मॉनिटरिंग की, क्योंकि 62 आते तक के भिलाई स्टील प्लांट जो है वो 1 मिलियन टन से 2.5 मिलियन टन की ओर आगे बढ़ रहा था कैपेसिटी। तो वो सारी बातचीत हुई, फिर वो जवाहरलाल नेहरू वहाँ से इंडियन एयरफोर्स के विमान से फिर वो उड़ीसा चले गए थे। और तीसरा दौरा उनका मार्च 1963 में हुआ था, तब वो खास भिलाई के लिए ही आए थे और यहाँ जो हम जयंती स्टेडियम देखते हैं वहाँ पे उनकी एक आम सभा हुई थी और कारखाने का भी दौरा किया था उन्होंने, कारखाने में भी लोगों को संबोधित किया था और यहाँ पर भी संबोधित किया था। तो इतने दौरे थे जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारी दिए और आज के इस खास दिन पर जन्मदिवस पूरा जब देश बना रहा है जवाहरलाल नेहरू को लेकर, तो इस तरह की जानकारी हमें ज़रूरी थी कि हम सुने और सारे संदर्भों को भी आप तक लेकर आएँ, क्योंकि भिलाई हमारा एक ऐसा शहर रहा है जिसके बारे में एक अच्छा इतिहास रहा है और इतिहास के पन्नों पर क्या क्या चीज़ें लिखित थी वो भी आज की इस वीडियो में आप समझ पा रहे होंगे। जवाहरलाल नेहरू ने एक जगह अपनी लेख में लिखा है कि दीवारों पे बने चित्रों के इतिहास को आप बिगाड़ के उसके तथ्यों को बदल नहीं सकते, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक इतिहासकार ने यह भी लिखा है कि कई बार हम जब इतिहास को पढ़ रहे होते हैं तो एक कमी महसूस होती है, उस कमी को महसूस करते हुए एक इतिहासकार ने लिखा है कि इतिहास घटनाओं को तो लिखता है, इतिहास जो है घटनाओं को लिखता है पर जज्बातों को नहीं लिख पाता है। तो नेहरू के जज्बातों को अभी हमें समझना चाहिए और समझने के लिए हमें उन्हें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए हमें किताबें खरीदनी पड़ेगी और किताबों में थोड़ा वक्त देना होगा, तो किताबें पढ़िए और हर साल 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू की जयंती आप बना लीजिए और इसके साथ सुबह सुबह एक मैसेज डाल दीजिए कि हिंद के जवाहर जिंदाबाद। आप देर देखिए, शुक्रिया।